तो फ्रेंड्स, हम आज बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वायरल क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। या ये आप करके जाइएगा 20 तारीख को, तो आपको बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो 20 फरवरी आज है, आज ही का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा करके जाइएगा, पूरा नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक करके जाइएगा। ठीक, मात्र आपको 50 को बनाना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, बिलिनो और अविन्यो के बीच में कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है, तो ये रोन नदी है। ठीक, ये कौन सी नदी है, रोन नदी है। ठीक, अगला देखते हैं। 2 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1937 में हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। मछली छीनने की कोशिश कौन करता था? तो कौन करता था, तो संतु करता था, संतु। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यूटी पर अलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ये यतीन्द्र मिश्र की रचना है, यतीन्द्र मिश्र। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, अरब देश में फूक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी होती है को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, तो नय कहते हैं, नय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष को। ठीक, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जल्दी जल्दी हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपको टकराएगा वो मार दीजिएगा। ठीक, तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार था? तो यह जो है महात्मा गांधी का विचार था, महात्मा गांधी का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, 100 तक क्वेश्चन कर लिया जाएगा, जो टकराएगा वो आप मार दीजिएगा। ठीक, देखते हैं आगे। काशी में मरण भी माना गया है, तो मंगल माना गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 9 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो ये आपका यदा कदा से किया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? तो ये पिताजी खाते हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये आपका निजवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर बस क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आपका संख्यावाचक का उदाहरण है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परी उपसर्ग है। ठीक, परी उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, याद करके जाइएगा, आपसे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछेगा, जो टकराएगा वो मार दीजिएगा। ठीक, चलिए 14 नंबर देखते हैं। बढ़िया शब्द में प्रत्यय है, बढ़िया, बढ़ जोर इया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, प्रत्यय पीछे लगता है, याद करके जाइएगा, दोनों से दो दो प्रश्न रहेगा। ठीक, भाई बहन कौन सा समास है? देखिए दोनों पद प्रधान है, माता पिता, भाई बहन, घर द्वार, लोटेरोड़ी सब हो गया, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कलंक शब्द का विशेषण है कलंकित। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, उसने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो कौन शुद्ध वाक्य है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो ये आपका संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची पट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, हम बोल रहे हैं 100 तक कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन लड़ेगा वो क्वेश्चन मार दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा वो क्वेश्चन आप मार दीजिएगा। ठीक, सच्चिदानंद हीरानंद वास्ते अगे के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 22 नंबर देखते हैं। धूप बरसी का अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आसमान हो जाएगा, आसमान। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है,
देख सकते हैं यहाँ पे चक्रव्यूह की किन्नरी रचना है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुंवर नारायण का, कुंवर नारायण की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की, 24 नंबर क्वेश्चन है कावित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम श्याम नंदन किशोर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है घरे सा लुढ़कता हुआ घ किस आकार थम जाता है, तो ये अंग पर जाके थम जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर, 26 में क्वेश्चन लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक किसकी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, जीवानंदन दास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर, 27 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, काव्य शैली है तो गीतात्मक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं, तो किनके, तो प्रभु के। ठीक, प्रभु के छाले पर जाने की बात करते हैं। चलिए 29 में देख लेते हैं मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक पाठ किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो किस कवि द्वारा, धर्म भारती द्वारा किया गया है। ठीक, धर्म भारती द्वारा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की, 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगार उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है, तो ये किसका है, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। ठीक, 100 क्वेश्चन आप देख के जाएगा, जो टकराएगा वो मार दीजिएगा। चलिए 31 देख लेते हैं भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, पांचों लड़कियां कैसी थी, सुशील थी। ठीक, चलिए 33 देख लेते हैं यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं आर्थिक विशाल है, तो ये किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्कृत और संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 34 की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, किसका परिणाम है, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 35 नंबर, 35 नंबर देख सकते हैं हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है, तो किस लिपि में, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो यह अमरकांत की रचना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो किस दिन आए थे, तो रविवार के दिन आए थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तक लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे, तो ये क्या हो जाएगा 1949 से 1953 तक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, 39 नंबर क्वेश्चन है जल्दी जल्दी यहाँ पे 100 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, चलिए 39 नंबर देख लेते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, यह पंक्ति शीर्षक की पाठ की है, तो यह हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम हरिहर लाल था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। 41 में क्वेश्चन है जनता में प्रत्यय है जनता, जन जो ता, तो जनता हो गया ता। ठीक, अगला देखते हैं देहचोर शब्द में कौन सा समास है, देहचोर तत्पुरुष समास, देह का चोर, देह चोर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का देखते हैं। 43 क्वेश्चन आपके पास क्या है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है, किस वाक्य का, सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक, 44 देख लेते हैं असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो असुर का दानव। ठीक, असुर का दानव। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं एकता शब्द का विलोम है, एकता का अनेकता। ठीक, 46 देख लेते हैं किसके शेखर पर चंद्र हो, किसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द क्या है, तो चंद्रशेखर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 47 नंबर देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास एक पंत दो काज मुहावरे का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ क्या है, एक कार्य को दो लाभ होना। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं आटा शब्द है, आटा क्या है, तो आटा पुलिंग है। ठीक, आटा पुलिंग है। चलिए अगला देखते हैं पंख शब्द है, पंख क्या है, तो पंख जो है आपका है तत्सम है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं चौराहा शब्द है, चौराहा क्या है, तो द्विगु समास है, द्विगु समास। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन आपको और बचा हुआ है, तो 50 क्वेश्चन आप और करके जाइएगा। ठीक, जो आपको टकराएगा वो मार दीजिएगा, जो टकराएगा वो मार दीजिएगा। पहले हम वीडियो बहुत अच्छा डाल रहे हैं,
हैं। यदि आप देखे हैं तो अच्छी बात है, यदि आपके पास अभी भी समय है तो आप जाकर पूरा वीडियो अभी वॉच कर लीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा, इसको देखने के बाद पूरा वीडियो वॉच कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में चैनल लिंक दिया हुआ है वीडियो का, ठीक, प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट जाके। चलिए 51 नंबर देखते हैं, 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन को और कर लेते हैं। चलिए 51 देखते हैं, जो पर के धीन है, जो पर के धीन है के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द क्या है, पराधीन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है हानि पहुंचने पर यत्न करना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं, छह का उच्चारण स्थान क्या है, छह का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 54 की ओर, 54 है महाजस्वी का संधि विच्छेद है, महाजोर ओजस्वी, ओजस्वी, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध शब्द गुप्त है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है गिरोह शब्द का संज्ञा है, गिरोह जो है तो कौन संज्ञा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गिरोह कौन संज्ञा है, तो ये आपका समूहवाचक है गिरोह, ठीक। अगला देखते हैं 57, नारी शब्द है, नारी क्या है, तो नारी स्त्रीलिंग है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 के बाद, 58 नंबर क्वेश्चन है कि घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, किस कारक का उदाहरण है, तो आपादान का उदाहरण है, ठीक, आपादान कारक का उदाहरण है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे कि वह देखता है किस काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विमुख शब्द में उपसर्ग है, वी जो मुख वी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर देखते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है ईश्वर पटेलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, कहाँ के, तो ये गुजरात के प्रिय लोक कथाकार है, ठीक। 62 नंबर देख लेते हैं, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो ये कैसी कहानी है, तो आचलिक कहानी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं, 63 की ओर, 63 नंबर क्वेश्चन है अगले दिन सीता ने क्या किया, अगले दिन सीता ने क्या किया, काम करने लगी थी अगले दिन, थी। 64 नंबर देख लेते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, पपाती बेहोश क्यों हो पड़ी, तो तेज बुखार के कारण हो गई थी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है मंगू कब से जन्म से ही पागल है। 66 देख लेते हैं, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, तो बांध कर रखा जाता था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 67 की ओर, 67 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो ये डॉक्टर साहब से ऑर्डर प्राप्त किया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे दोनों बेटे को सुला कर कहाँ गई, तो ये रसोई घर में गई थी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन की ओर, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा था, तो ये किसी ने नहीं कहा था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 70 नंबर, बल्ली अमाल से कहाँ से डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था, तो मदुरै जाने को कहा था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है मात्र 30 क्वेश्चन और बचा है, 300 क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो आपको टकराएगा वो आप मार दीजिएगा। चलिए देखते हैं 71 नंबर, उदय का शब्द का विशेषण है, उदय का विशेषण क्या है, उदित हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि पानी शब्द में कौन संज्ञा है, पानी शब्द द्रववाचक संज्ञा है, ठीक। चलिए 73 नंबर देखते हैं, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पित्तजोर अंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 74 नंबर देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है कि संयोग शब्द का विलोम है, संयोग वियोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मात्र कुछ क्वेश्चन बचा है, टोटल करके जाइएगा, ठीक। 75 नंबर देख लेते हैं, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, तो किस आपादन कारक का उदाहरण है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बढ़ते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन है लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा, तो मगम्मा ने कहा था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर देखते हैं कि तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की, तो ये जो धरती कब तक घूमेगी की, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं, 79 देख लेते हैं बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं, तो दलेई बांध की, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है
मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी तो ये आपके गौशाला की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को बढ़ते हैं। ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो ध का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ध ध ध तो ध का दंत हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 82 देख लेते हैं। 82 का क्या है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब कहलाती है, क्या संयुक्त ध्वनि कहलाती है। ठीक, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नयजोर अक तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 84 देख लेते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है तो हितैषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 85 देख लेते हैं। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 86 की ओर। 86 में क्वेश्चन है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, 82 देख लेते हैं। सुख शब्द कौन लिंग है, तो ये आपका पुलिंग है। ठीक, चलिए मात्र आपको 13 क्वेश्चन और बचा है, 13 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो ये आपका कर्ता कारक का उदाहरण है, कर्ता कारक। ठीक, चलिए 79 नंबर देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, भिक्षा शब्द है, भिक्षा शब्द क्या है, तो ये तत्समक है। ठीक, 90 देख लेते हैं, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, बाघिन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन 91 देख लेते हैं, गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया, तो किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने किया, अर्जुन देव। ठीक, अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक, अर्जुन देव। ठीक, अगला देखते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती है, कब, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर देखते हैं। 93 देखते हैं, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, प्रीतम नंदन किशोर जा दिन ते नैनी लगे मन पावन चित चोर पलक ओठ नहीं हरी सको, यह पंक्ति किसकी है, तो यह प्रेम अयनी श्री राधिका की है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 95 की ओर बढ़ते हैं, धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो प्रसिद्ध क्या है, सेवैया और धनाक्षरी। ठीक, चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विरहल लीला किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, प्रेमधन की रचना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, तो प्रेमधन सर्वस्व से संग्रहित है। ठीक, 98 नंबर देखते हैं, युगवाणी किसकी काव्य कृति है, तो किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ठीक, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया, तो किस ओर, समाजवाद की ओर। ठीक, 100 नंबर देख लेते हैं, सिंहासन खाली करो की जनता है कि किस कविता की पंक्ति है, तो जनतंत्र का जन्म। तो यहाँ पे टोटल 100 के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, यहाँ पे जो आपको टकराएगा आज वो आप जाके मार लीजिएगा। ठीक, आपके पास यदि अभी भी समय है तो चैनल का प्लेलिस्ट खोल के और जाके मात्र ये 3 वीडियो डाले हैं, 3 वीडियो, और उतना ही में से पूछेगा, जितना क्वेश्चन हम करा दिए हैं 300+ क्वेश्चन कराए थे एक वीडियो में, जल्दी वो वीडियो आप देख ही के जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।